इसका ये रिम बैंड हो गया, यहाँ से पूरी बॉडी टूट गई है। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी पृथ्वी तोमर और आज हमारे पास है अपनी ओला S1 Pro और आज मैं बताऊंगा इसके मेजर डिसएडवांटेजेस। जो भी ये गाड़ी लेने की सोच रहा है पहले एक बार ये देख लेना, क्योंकि ये डिसएडवांटेजेस ऐसे छोटे छोटे नहीं है कि जो चल जाए, काफी मेजर है, मतलब ऐसा कि आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेजेस है ना, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। अगर इसका सस्पेंशन सेटअप देखे ना, तो आगे अपन को सिर्फ एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, सिर्फ एक, और पीछे जो मिलता है, पीछे पे एक सस्पेंशन है तो वो सीधा, मतलब बाकी गाड़ियों में ऐसा सीधा लगता है और इसमें ऐसा टेढ़ा लगा है ना, तो वो दिक्कत उससे भी नहीं है। दिक्कत ये है कि ये गाड़ी का जो, मतलब जब ये गाड़ी गड्ढे में गिरती है ना, तो ये बिल्कुल अपने वो गड्ढे एब्जॉर्ब नहीं करती है, पूरी गाड़ी पे मतलब झटके पड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर तेज किसी गड्ढे में गिर गई तो गाड़ी का डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है, और जो कि इस गाड़ी का हो चुका है ना। तो इसका देखो, ये तेज एक गड्ढे में गिर गई कल, तो इसका ये रिम बैंड हो गया यहाँ से, और अगर आपको देखे तो ये देखो, ये पूरी बॉडी टूट गई है। ये देख रहे हैं, ये पूरी बॉडी टूट गई है यहाँ से, और यहाँ नीचे भी ये पूरी टूट गई है, यहाँ से पूरा क्रैक आ गया है। तो ये मतलब इस साइड से ये पूरा टूट गया है, तो इसका ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। और मतलब ऐसा भी नहीं, अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल स्कूटी या स्कूटर होता ना अपना, तो वो गड्ढे में झेल जाता, ऐसा दो लोग बस बैठे थे इसमें, ज़्यादा लोग भी, ज़्यादा वेट भी नहीं था, पर तो भी इसके सस्पेंशन इतने बेकार है ना कि वो इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब भी नहीं करते, इसके जो दचके पड़ते हैं, तो वो गाड़ी पे इतना जोर का झटका पड़ा ना कि वो अलॉय बैंड हो गया और यहाँ से ये पूरा क्रैक हो गया। पीछे से भी अगर देखोगे ना, तो पूरी गाड़ी का अलाइनमेंट ख़राब हो गया, आधा साइड कर गाड़ी को। तो ये अगर अलाइनमेंट देखो ना, तो ये देखो, बॉडी टायर अपना इस साइड को आ गया है, बॉडी अपनी इस साइड को है, तो वो गाड़ी चलने में भी बबलिंग कर रही है। और ये देखो, ये टायर घस भी रहा है, ये क्योंकि से अब आड़ा तिरछा हो गया तो टायर, तो फिर ये सही मतलब चल नहीं रही है बिल्कुल। अब इसको देखो, इंश्योरेंस में बनवाएंगे वो तो चलो ठीक है, पर इस गाड़ी में ये डिसएडवांटेज है, झटके बहुत तेज मारती है आप, मतलब है ना, छोटे छोटे ब्रेकर में भी इसको तेज नहीं निकाल सकते। और पता है इसके कारण है ना, जो सस्पेंशन सेटअप है उसके कारण एक दिक्कत और होती है, जैसे कि किसी का वेट ज्यादा है, ओवर वेट है कोई, तो है ना वो इस पर बैठ के अगर ज्यादा दचके वचके में चलाओगे ना, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसमें ज्यादा मतलब हैवी लोगों के बैठने का काम नहीं है, पतले पतले बैठने के बाद ऐसी स्थिति हुई है, अगर मोटे कोई लोग बैठे होते तो खेल ही हो जाता। और पता है सबसे मेन चीज क्या है, अगर तुम्हें कोई रोड पता है तो तुम उसमें चला रहे हो, तो तुम्हें पता आगे गड्ढा है या ब्रेकर है, तो मद्दी कर लो। किसी नई रास्ते में थोड़ी ना पता है, तो मस्सी पे चल रहे एकदम से ब्रेकर आ जाए, फिर तो स्थिति में तो काम भारी हो जाता है इस गाड़ी का। तो सर्विस कर रहा बहुत देर से अपने ओला स्कूटर से, म्यूजिक कनेक्ट, बताओ सर्विस क्या दिक्कत आ रही है भाई? हो ही नहीं रहा भाई, जब से कर रहा है आधा घंटा हो गया। हाँ भाई, इसमें चलेंगे भी नहीं। हाँ स्पीकर दिए हैं, स्पीकर की चलो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर ये कनेक्ट भी नहीं हो रहा सही से, कभी हो जाता बैठते ही, और कभी होता है तो दो तीन बार पावर कॉर्ड डिवाइस भी कर चुके, डिवाइस आ भी रहा है। सर्विस करके बताओ एक बार, देखो जैसे ये पावर कॉर्ड डिवाइस कर दिए, और फिर से करते हैं इसको, तो फोर कोड करके फिर से कर रहे हैं। अरे कितने ओला आ गए भाई ये, तो यार देखो ये आ गया पेयर का एक्सट्रा। हेलो, अभी भी इसमें दिखा नहीं रहा है कि मेरा कनेक्ट, देखो फोन में हो गया ना कनेक्ट, फोन में कनेक्ट दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा कनेक्ट हो गया। प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा फिर फॉरवर्ड डिवाइस आ जाएगा, तो यही दिक्कत आ रही है इसमें। और इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि ये गाड़ी की चार्जिंग बहुत जल्दी जाती है। जैसे हम लोग इसकी ड्रैग रेस करने के लिए लाए थे, तो जैसे लाए थे 40% पे, तो खड़े खड़े कहो 36% हो गई, फिर उसके बाद चलाए एक दो राउंड चला, इसके बाद कहो 20% पे आ गई, फिर 20 के बाद उस पर स्पोर्ट्स मोड भी नहीं डलता ना हाइपर मोड डलता है। हाइपर मोड में ऐसी बैटरी चाटती है ना, ऐसी बैटरी चाटती है भगवान। वही, और पता है इसका, इसलिए हम लोग है ना वो भी करने वाले थे कि इसका एक बार टेस्ट करेंगे कि कितना चलती है एक चार्ज पे, पर इसका ऐसी स्थिति हो गई है, तो ये थोड़ी स्थिति सुधर जाए फिर करेंगे। इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, इसका मेन मेजर तो ये इसका ड्रॉबैक है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, क्या मतलब ऐसे स्कूटर का। जो चौथी दिक्कत है ना इसमें, वो है भाई इसका रिस्पॉन्स, अगर इसमें एक्सीलेटर दो ना, थोड़ी देर बाद भागना चालू करती, लैग है इसमें, इसको मतलब देर से पता चलता है कि अगले आदमी ने एक्सीलेटर घुमा दिया, अब अपन को भागना भी है, तो वो भी थोड़ा सा लैग खा जाती है, उसी कारण ये ड्रैग रेस रैग रेस में भी हार जाती है। तो क्या बोलना चाहोगे आदर्श इस बारे में? मेरे हिसाब से तो भैया बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए ये गाड़ी, ओला वालों ने बना जरूर दी है, बाकी इसमें
ऐसा है ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस काफी हैं एडवांटेजेस से ज्यादा। हाँ मतलब ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो ना, उसके बाद इसको बहुत सोच के चलाना पड़ता है। मतलब ऐसे कहीं ले जाने से पहले आप सोचोगे कि पहले रेंज होगी नहीं होगी, फिर वो रोड अच्छी है नहीं है ये भी सोचो, फिर लोग कैसे है पता चला कोई हैवी है अपने साथ में जैसे इनके भाई अब ऐसा तो भाई वैसे तो सोचना पड़ेगा ऐसे कैसे चलेगा। आप अगर शिफ्ट हो रहे हो सबसे बड़ा मेन तो आपको आप लेते कौन सी हो, क्योंकि तो आप पेट्रोल में आपको पावर इसके इंजन होती है, जैसे आप एक्टिवा ले लो जुपिटर ले लो, इसमें क्या आपको पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप दो अगर हैवी आदमी बैठा था तो ये फिर खींच नहीं पाएगी, नहीं खींच बारिश हो गई तो फिर इसका फिर पूरा भंटकदार हो गया इस गाड़ी का वो। नहीं खींचना तो चलो ठीक है खींच भी लेगी, पर ये गाड़ी में क्या हैवी वेट के साथ इस गड्ढे में गिरती है तो गाड़ी की ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए दिक्कत बन जाएगी वो। इंजन और बैटरी में अंतर तो रहेगा ना। हाँ और मेन चीज इसका सस्पेंशन सेटअप खराब है भाई, बहुत ज्यादा मतलब इतने भयंकर धचके मारती है ना। लाइफ तो बहुत कम है, आप एक एक्टिवा लेते हो मैक्सिमम कुछ नहीं तो 7-8 साल वो चल जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं कि 3 साल भी चल पाए या ना चल पाए। अरे भाई एक्टिवा लोग है ना अपने बिजनेस कमर्शियल यूज के लिए भी यूज करते हैं लोग भाई, उसमें बीच बड़े बड़े बोरी रख के ले जा लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ही नहीं है। हाँ इसमें ज्यादा वेट नहीं रख सकते आप, ये मतलब इतनी ज्यादा उसके लिए नहीं बनी। चलो वो रखना नहीं रखना, इंसान भी नहीं रख पाते भाई, मतलब ज्यादा हैवी वेट के आदमी बैठ के अगर चलाएंगे ना तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। और इसको कहीं ले जाओ तो बूट में पूरा तो चार्जर भरा रहता है इसका, डिस्चार्ज हो गई तो क्या करेंगे। बूट स्पेस तो है ही नहीं इस गाड़ी में, मतलब है बूट स्पेस काफी है पर वाला चार्जर रखा रहता है इसमें। तो जैसे अगर आपकी गाड़ी है ना डिस्चार्ज होने वाली है तो चार्जर पहले ही बाहर निकाल लेना कहीं जैसे रास्ते रास्ते में, नहीं तो चार्जर अंदर रह जाएगा फिर ये बंद हो जाएगी तो ये भी नहीं खोलेगा, ये भी मतलब ऐसा है कि ध्यान रखने वाली चीज है। तो ठीक है यही डिसएडवांटेजेस थे इसके, तो इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करते, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय 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 बाय। और बाकी स्थिति तो है ही ऐसी।